जिंदगी जब कभी आपको रुकी हुई सी नजर आने लगे ना, तो चुपचाप अपने पास वाले बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे जाइए और एक गाड़ी पकड़ के एक नए सफर पर निकल पड़िए। बीते कुछ दिनों से जब जिंदगी रुकी रुकी सी नजर आने लगी थी, तो हमने भी तय किया एक नए सफर पे निकलने का। तो बस हम चल पड़े हैं नए रास्तों पे, नए मंजिलों की तलाश में। तो चलिए देखते हैं आज ये सफर हमें कहाँ लेके जाते हैं। पुणे से 25 किलोमीटर दूर इस सुंदर सुबह, इस मेघ वाले सुबह में हम लोग आ पहुँचे हैं रामदारा मंदिर, जो कि है लोनी कालभोर रोड में। और ये मंदिर 1970 में धोंदी बाबा द्वारा स्थापित किया गया था। माना जाता है राम, लक्ष्मण और सीता जी जब अपने वनवास में थे, वो तब यहाँ पे आए थे। पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षित जगह है, काफ़ी लोग आते हैं शनिवार रविवार वीकेंड में आते हैं, अपना टाइम बिताते हैं। जो सुकून यहाँ मिलता है, क्योंकि आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। मेरे पीछे मंदिर है, मेरे इस तरफ आप अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सुंदर सा तालाब है, और तालाब के बीच में ये मंदिर स्थित है। तो इतना आकर्षण जगह है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं इतने सुंदर वृक्षों के नीचे से पैदल चल रहा हूँ। मंदिर में घुसते ही मानो पूरे मन में सुकून सा छा गया, वही सुकून जिसकी तलाश में मैं बहुत देर से घूम रहा था। इस मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियां हर एक दीवार पे, और आखिरकार हम लोग आ पहुंचे भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और सीता मैया के मूर्ति के सामने। काफ़ी देर घूमने के बाद अभी मौका था थोड़ा पेट पूजा करने का, और पुणे में आके पेट पूजा, या तो दो ही चीज़ होती है, या तो आप मिसल खाते हो या वड़ा पाव खाते हो। अपने लिए वड़ा पाव सबसे सही है। अभी हम लोग आ गए हैं ठीक रामदारा मंदिर के बाहर ही, कुछ खाने के स्टॉल है वहीं पे, और वहाँ पे गरम गरम वड़ा पाव खा रहे हैं। शायद इसके बाद हम लोग गन्ने का जूस भी पी सकते हैं। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं खाने के लिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खाने की व्यवस्था यहाँ पे है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जो दृश्य हमने देखे और आपको दिखाने की हमने कोशिश की, बहुत ही आकर्षित करता है आपको इस सुंदर से नेचर के बीच में। ये मंदिर सुंदर तो है ही, लेकिन जिस तरह यहाँ गांव में लोकल लोगों ने इसको मेंटेन किया है, और जितना साफ है और जितना ये प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि जो भी घूमने आ रहे हैं वो भी इसको साफ रखें, उसके लिए हैट्स ऑफ। बहुत मज़ा आया हमें घूम के। आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे, आके आप पिकनिक भी मना सकते हैं, खाने की व्यवस्था तो बाहर है ही है। और इस सुंदर से नज़ारे का और इस ग्रीनरी का मज़ा लेने के लिए आपको यहाँ मेरे हिसाब से आना ही चाहिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए जगह पे। अभी के लिए अलविदा।